नमस्कार, पांच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का पुराना परिणाम रद्द कर दिया है और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर घोषित कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव का जो पुराना नतीजा था उसे रद्द कर दिया, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी और साथ ही पीठासीन अधिकारी की ओर से जो परिणाम जारी किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है और साथ ही जो पीठासीन अधिकारी हैं मसीह उन्हें हाईकोर्ट कारण बताओ नोटिस जारी करे, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे मसीह उनके व्यवहार को लेकर के भी कहा कि ये सरासर गलत आचरण उनका रहा है और जो 8 वोट थे जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए थे उन पर कोई भी कहा गया कि कोई उनमें तोड़फोड़ नहीं हुई थी, पर्चा उनका ठीक था। इसके बावजूद भी जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने अपनी ओर से निशान लगाकर उन्हें अवैध घोषित करने की कोशिश की थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है और एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है और आम आदमी पार्टी के मंत्री दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी, जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करें, ये बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। और हमारे दो सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही शरद शर्मा जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, संभवतः शायद कभी ऐसा ना हुआ हो कि कोर्ट रूम में जो है वो मतपत्र उनकी गणना की गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 8 वोट थे ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे और जो पुराना जो चुनाव था उसको एक तरह से रद्द करते हुए, जो नतीजा था उसको रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर को विजयी घोषित किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये एक अभूतपूर्व ये सुनवाई हुई है। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब इस अदालत में इस तरह की सुनवाई हो जिसमें सब चीज़ें हो जाएं, चुनाव से लेकर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गतिविधियाँ चली हैं। कल जिस तरह से सुनवाई हुई, अनिल मसीह पेश हुए, सीजीआई ने उनको चेताया कि जो भी बात कहें सोच समझ के कहें, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये कानून की अदालत है, यहाँ एक भी शब्द सोच समझ के आप बोलिएगा क्योंकि अगर कोई गलती पाई गई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे तक इस मामले की सुनवाई चली है और सबसे अहम बात यह है कि 20 मिनट तक 30 जनवरी का वो वीडियो चला है जिसको लेकर सारा बवाल था, जिस पर सवाल उठाए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर की कार्रवाई पर के किस तरीके से वो बार बार कैमरे में देख रहे थे और जो बैलेट पेपर है जो 8 अमान्य करार दिए गए थे उन पर कुछ साइन कर रहे थे, कुछ निशान लगा रहे थे। 20 मिनट तक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न केवल खुद वो वीडियो देखा लेकिन बल्कि कहा कोर्ट रूम में सभी पक्षों को ये वीडियो देखना चाहिए और पूरे कोर्ट रूम में स्क्रीन पर 20 मिनट तक वो वीडियो देखा गया। बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए थे हाईकोर्ट से, वो सील खोले गए, वो बैलेट पेपर देखे, 8 बैलेट पेपर देखे जो अनिल मसीह ने कहा था कि डिफेस किए गए हैं दूसरे पक्ष की तरफ से। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि कोई भी बैलेट पेपर डिफेस नहीं है, कोई भी किसी तरह से खराबी उनमें नहीं है और जो मसीह हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वो 8 बैलेट पेपर तमाम पक्षों को दिखाए, मसीह और उनके वकील मुकुल रोहतगी को भी दिखाए और कहा कि ये जो बैलेट पेपर हैं इनमें कोई भी गलती नहीं है, मसीह ने सही बात नहीं की थी। और इसके बाद एक ऐसा फैसला आया जिसकी उम्मीद
ना तो याचिकाकर्ताओं को थी, ना दूसरे पक्ष को थी, और ना ही हमें ही थी, और ना ही देश में किसी को होगी। पहली बार ऐसा हुआ जब देश की अदालत से, मतगणना केंद्र से नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में मतों की गणना हुई, वोटों की गिनती हुई, बैलेट पेपर गिने गए। पूरा गिनती के बाद मेयर घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को। वो कुलदीप कुमार जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे इस बिना पर के उनके साथ गड़बड़ हुई है, वो मेयर के कैंडिडेट थे, उनकी वोटें ज़्यादा थी, लेकिन 8 वोट उनकी रिटर्निंग अफसर ने गलत तरीके से इनवैलिड की थी। उन्हें दोबारा दूसरे सिरे से चुनाव हों ये भी मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय के हित में अदालत का ये कर्तव्य है, वो बाध्य है कि वो कोई भी फैसला करे। जी आशीष, एक संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जो पीठासीन अधिकारी हैं अनिल मसीह, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उनके भूमिका संदिग्ध पाई गई, दोषी पाए गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आज क्या उनके बारे में फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा जो भी उन्होंने किया वो गैरकानूनी था और उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड जुडिशियल को कहा है कि शो को नोटिस जारी किया जाए उनके खिलाफ, कि क्यों ना उनके खिलाफ परजुरी यानी अदालत में गलत बयानी और अमानना का मुकदमा चलाया जाए, और इसके बाद 3 हफ्ते में उन्हें जवाब देने का मौका दिया जाए। तो यानी मसीह की मुसीबत बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जी जी, अब शरद के पास चलते हैं। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शरद, राजनीतिक बहुत मायने हैं इसके लिए। पहली बात तो यही है कि जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी इसको INDIA गठबंधन की पहली परीक्षा के तौर पर पेश कर रही थी और ये कह रही थी कि यहाँ पर बीजेपी को हराने के बाद पूरे देश में बीजेपी को हराएंगे। हालांकि तब जो पीठासीन अधिकारी की भूमिका है वो संदिग्ध रही और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अब एक बड़ी राहत मिली है, तो इसको राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब आगे किस तरह लेकर जाएगी? अखिलेश जी, निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत है और एक तरह की संजीवनी इंडिया अलायंस के लिए भी है और बीजेपी को ये झटका है। वैसे तो ये जो चुनाव थे इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आने वाले चुनाव या इंडिया गठबंधन के लिए कुछ होना नहीं था। भले ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की पहली जीत होगी और चंडीगढ़ में क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है तो इस वजह से ये पहली जीत की खबर वहां से आएगी, लेकिन ये उनका सिर्फ दावा ही रह जाना था अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हुआ और ये जरा सा चुनाव ही इतना बड़ा, मैं आपको रोकूंगा एक सेकंड के लिए। सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली सरकार में मंत्री, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है NDTV इंडिया पर। यही प्रश्न आपसे जो मैंने शरद से पूछा था, राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। हम राघव चड्ढा जी से बात कर रहे थे चुनाव के समय, उन्होंने कहा था कि ये INDIA गठबंधन की पहली परीक्षा है और इसमें हम उत्तीर्ण होकर बीजेपी को पूरे देश में हराएंगे। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जैसे कि शरद शर्मा जी आपको बता रहे, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का ये पहला मैच भारतीय जनता पार्टी से था, जैसे कि राघव ने भी पहले अपने से कहा, और पहले मैच में बेईमानी करके, झूठ परे धोखाधड़ी बेईमानी कैमरे पे करके भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, मगर सत्य की जीत हुई, हार गई। मगर देखिए, आज जीत की जितनी खुशी है उससे ज्यादा हमें देश के प्रजातंत्र चिंता है। आप ये सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, दर्जनों राज्यों में सरकार है, पता नहीं कहाँ कहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलते हैं, उसके बावजूद एक चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर के मेयर का इलेक्शन, जो मेयर मात्र 1 साल के लिए इलेक्ट होता है, चंडीगढ़ की पूरी आबादी 14.5 लाख है, उस मेयर के इलेक्शन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इस बेईमानी तक उतर सकती है, मेरी चिंता ये है कि जहां कैमरे नहीं लगे हुए वहां भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार क्या क्या बेईमानियां कर रही होगी और इस देश के प्रजातंत्र को कैसे बचाया जाएगा। हम लोगों ने जब आजादी ली, आजादी का मतलब ये नहीं है कि सड़कें बनेंगी, रेल बनेगी, ये तो अंग्रेज भी बनाते थे, सड़क बनाते थे, रेल बनाते थे, बंदरगाह बनाते थे, राष्ट्रपति भवन बनाया, पार्लियामेंट हाउस भी उन्होंने बनाया। आजादी का मतलब ये था हम अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, और इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तांत्रिक टोपे, रानी लक्ष्मीबाई सबने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए कि देश में जो चुनाव होंगे
सुस्ते सरकार चलेगी, मगर आज तो आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज और शरद हमारे साथ बने हुए। शरद, इसके मैं राजनीतिक मायने समझना चाहता हूं, क्या इसका मतलब ये भी होगा कि पंजाब में जहां पर अब आम आदमी पार्टी कह चुकी थी कि 13 की 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या इस फैसले के बाद आज जो फैसला आया है एक बार फिर से संभावना बनती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की? ये कहना मुश्किल है अखिलेश जी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कुछ संभावना बन जाए। संभावना उसी केस में बन सकती है मेरे ख्याल से जब बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो जाए। लेकिन हाँ, ये जो आज फैसला आया है इससे ये जरूर एक मैसेज है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर अगर लड़ते हैं तो टक्कर दे सकते हैं। तो पंजाब में भले हो ना हो, लेकिन दिल्ली के लिए क्योंकि अभी मामला फंसा हुआ है और दिल्ली के लिए बात चल रही है, तो संभव है कि अब इसके बाद में एक तो इंडिया अलायंस जो पिछले काफी दिनों से लगातार बुरी खबरों का सामना कर रहा था, एक के बाद एक जो सहयोगी दल थे वो टूट रहे थे या फिर बात नहीं बन रही है, आपस में खटपट चल रही है, तो अब जाकर कोई एक सकारात्मक खबर इंडिया अलायंस के लिए आई है, तो संभव है ये दोनों पार्टी अब जल्द ही दिल्ली के लिए अपना जो अलायंस है उसको आगे जो है फाइनल करें, क्योंकि बातचीत तो बहुत दिन चल रही है। आज भी 4:30 बजे खबर थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बैठक है, लेकिन बता रहे हैं कि बैठक तो लगातार ही चल रही है, नतीजा कोई नहीं निकल पा रहा है। तो संभव है कि नकारात्मक खबरों के बाद अब जो एक सकारात्मक खबर इस अलायंस के लिए आई है उसके बाद कुछ जो है मनोबल बढ़े इस अलायंस का। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अरविंद केजरीवाल अभी घर से निकलने वाले हैं, 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें संभव है कि आगे इंडिया अलायंस का क्या रोल रहेगा इन चुनावों में और क्या किस तरह से अब इंडिया अलायंस आगे बढ़ सकता है उस पर अरविंद केजरीवाल स्थिति साफ करें। जी शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए और आशीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। अब सबकी नजरें दिल्ली की सीमाओं की ओर है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि कल से वो शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उससे लोगों को कुछ असुविधा भी हो सकती है। दरअसल कल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत भी नाकाम रही, हालांकि पहले दोनों पक्षों की ओर से इस बातचीत को सकारात्मक बताया गया था। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर फैसले के लिए 2 दिनों का समय भी मांगा था। सरकार की ओर से प्रस्ताव था कि 5 फसलों पर 5 साल तक MSP की गारंटी रहेगी, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। सरकार के विविधीकरण के प्रस्ताव से भी किसान सहमत नहीं है। और जो किसानों का ऐलान हुआ है कल दिल्ली की ओर कूच करने का, इसके बाद दिल्ली में कई जगह पर सुरक्षा के खासे इंतजाम कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ जबरदस्त सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर में। पहले देखिए फ्लाईओवर के ऊपर, देखिए किस तरह से मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग है, वो की गई है। पहले कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद डंपर्स को लगाया गया है और कई सारी बसेस को तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और CRPF की कई टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं। अब चूंकि शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों की सरकार से सहमति नहीं बन पाई है, तो वो उन्होंने दिल्ली की कूच के लिए ऐलान किया हुआ है और इसके मद्देनज़र सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जब से किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया हुआ, तब से दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है। चूंकि बॉर्डर्स को एक तरह से बॉर्डर्स पर कंटेनर्स रखे गए हैं और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन का जो समस्या है वो हो रही है। और अब जब एक तरह से दिल्ली कूच का फिर से किसानों ने ऐलान कर दिया है, तो ट्रैफिक की समस्या भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वजह से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से वैभव पल्लेकर, NDTV इंडिया के लिए। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने किसानों के आंदोलन पर और आज के फैसले पर एक रिपोर्ट भेजी, आइए देख लेते हैं।
21 तारीख को शांतिपूर्ण जो मार्च होगा दिल्ली की ओर, किसानों की ओर से तमाम सारी तैयारियां हैं, मीडिया के कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि कोई भी उस तरीके से कोई अवांछित तत्व जो है वो मीडिया की आड़ में कहीं कुछ करने ना पाए। तो इस जगह पर मीडिया का कार्ड भी बन रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की और क्या तैयारी है, कुछ किसानों से हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि शंभू बॉर्डर पर आगे बैरियर लगा हुआ है, काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहाँ पे, कैसे शांति मार्च करेंगे ताकि हिंसा से भी बचा रहे आपका आंदोलन और आपकी बात भी सुनी जाए? बिल्कुल जी, देखो हम हरियाणा से ही हैं जी। हाँ। और कोशिश करते हैं कि मतलब हम तो शुरू से, जैसे पहले भी आंदोलन हुआ, किसान ने कभी भी वायलेंस नहीं किया और अब भी हमारी सभी नौजवानों से, सभी से यही अपील है कि हम लोग शांतिपूर्ण रहेंगे, शांति, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग कोई वायलेंस करने नहीं जा रहे। हम इस देश के सिटीजन हैं, हम सरकार से अपील भी करते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। और हम लोग वायलेंस के हक में नहीं है, हमारी राजधानी है, हम इसके देश के नागरिक हैं, हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हम अपील ही करते हैं सरकार से, हाथ जोड़। तमाम सारे एहतियात भी जो किसान हैं वो बरत रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया के तमाम सारे जो है वो यहाँ पर कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ये आप देखिए कि इस तरीके से लोग बैठकर हर रोज़ जो है वो शांति से यहाँ पर अपना बातचीत करते हैं, बैठक करते हैं। इस तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम सारी जो बोरियाँ हैं आप जूट की देख रहे हैं, वो आंसू गैस गीला करके आंसू गैस के ऊपर डालने के लिए उसको भी यहाँ पर रखा गया है। कुछ लोगों ने अपने शरीर के बचाव के लिए एक तरीके के शील्ड भी जो है वो तैयार की है। तो किसानों के तमाम सारे नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण एक उनका मार्च जो है वो निकालने की उनकी ओर से कोशिश रहेगी और उसके तमाम सारे जो तरीके हैं, जो प्रबंध हैं, वो भी किया जा रहा है। फिलहाल शंभू बॉर्डर की ये ताज़ा तस्वीर है और किसानों का ये कहना है कि दिल्ली मार्च 21 तारीख को 11 बजे वो ज़रूर करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में इंटरनेट पर लगातार पाबंदी बढ़ाई जा रही है। फिलहाल राज्य के 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक की पाबंदी रहेगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसका असर वैसे तो सब पर पड़ रहा है, लेकिन छात्र खासतौर पर परेशान है। वहां बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं और छात्रों अभिभावकों का कहना है कि इसका सीधा असर तैयारियों पर पड़ रहा है। इसके पहले 11 से 13 फरवरी के बीच भी यहां पर इंटरनेट बंद रही थी, SMS और डोंगल सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई थी, फिर इसे 17 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। और शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस समय मौजूद हैं। रवीश, हमने देखा कि हरियाणा में किस तरह से बच्चों को परेशानी हो रही है, छात्रों को बोर्ड की एग्जाम चल रही है, इंटरनेट को बंद वहाँ पर किया गया है, साथ ही दिल्ली से भी हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है और यहाँ पर जो फेंसिंग वगैरह की गई है, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ट्रैफिक जाम भी लगातार यहाँ पर हो रहा है। उधर किसान जो है वो कह चुके हैं कि वो तो अब कल दिल्ली क्यों निकलेंगे। सरकार की ओर से भी लगातार बातचीत की कोशिश चल रही थी, ऐसे में कोई अपडेट है क्या, क्या एक बार फिर से कोई सरकार की ओर से पहल हो सकती है ताकि ये जो किसान हैं अपने फैसले पर दोबारा विचार करें दिल्ली कूच करने के? जी देखिए अखिलेश जी, यहाँ पर तो सुगबुगाहट इस बात की है कि हो सकता है कि 12 बजे के अंदर किसान सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आए फिर से एक बार बातचीत करने के लिए, क्योंकि ना तो सरकार जो है और ना ही किसान संगठन, ये दोनों ही इस तरीके की, जो जिस तरीके से 13 तारीख को झड़प हुई थी उस तरीके से कोई माहौल फिर से नहीं देखना चाहता। और यही वजह है कि आज तमाम सारे किसान नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अगर कोई नया प्रस्ताव सरकार की ओर से आता है तो उस पर उदारतापूर्वक विचार होगा, बातचीत की कोई भी पहल जो है उसको वो मना नहीं करेंगे। क्योंकि उनका भी कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों समेत, उस तरीके से कभी भी किसी भी समय जो है स्थिति विस्फोटक बन सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस के साथ जो टकराव है उसको आंदोलनकारी जो किसान हैं वो भी नहीं चाहते हैं और सरकार की भी तरफ से अभी कोशिश चल रही है। बाकायदा ये भी सुनाई दे रहा है कि बैकट्रैक की कोई बातचीत जो है
वो हो रही है, लेकिन अभी तक जब तक कोई आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आता है तब तक हालात वही बने रहेंगे, क्योंकि कल 21 तारीख को 11 बजे किसानों ने कहा है कि वह यहां से मार्च शुरू करेंगे। शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस लगाई गई है, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसान नेता जरूर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे, लेकिन देखना होगा कि कैसे आप शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि आगे तो आपको पुलिस बढ़ने नहीं देगी, तो ऐसे में हालात क्या बनते हैं इस बात का डर सबको है। और उम्मीद यही है किसान आंदोलनकारियों को कि 12 बजे तक शायद सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव आए। जी शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा लेकर रवाना हुए हैं। उनसे खास बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पर निकले। ये बजट सत्र छोड़ के जन विश्वास यात्रा, क्या इसका मतलब क्या है? बजट तो हम ही लोगों का साइन से ना हुआ है, वो तो बस भाजपा के मंत्री ने पढ़ा है, वो तो सारा उस समय जो जितना भी बजट का भाषण हो, बजट में क्या क्या रहेगा, जो प्रावधान रहेंगे विभाग वाइज, वो तो सारे महागठबंधन की सरकार के उस समय जो मंत्री थे, और उस समय तो ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री थे, तो बजट का तो हम ही लोगों का बनाया हुआ पढ़ा कोई और है, ये भी विचित्र है, ये भी ऐसा पहली बार ही हमको लगा कि हो रहा होगा। हालांकि यहाँ तो एक साल एक टर्म में तीन तीन बार उन्होंने ओथ ले लिया, 9 बार लिया है, तो उनको हमने शुभकामनाएँ भी दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। साथ ही साथ आप देखिएगा 5-5 डिप्टी सीएम हो गए 5 साल में, तो बीजेपी के 5-5 डिप्टी सीएम हो गए, बीजेपी भी कंफ्यूज्ड है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, हर बार अलग बनाया। 2 बार पिछले बार तारकिशोर जी थे, नेहरू जी थे, इस बार विजय सम्राट जी, विजय सिन्हा जी हैं, ये सम्राट चौधरी हैं। पहले आप देखिएगा ये सुशील मोदी हुआ करते थे, तो उस समय 5 तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री बस वही रहते हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार का पाला बदलना जो है, पाला मतलब पलटना जो है राजनीतिक रूप से, आपको इसका अंदाजा था या नहीं था? नहीं, कुछ चीज़ें थी जो काम हम लोग करना चाहते थे वो विलम्ब कर रहे थे जानबूझ के, ऐसा लग रहा था कि वो टाइम ले रहे हैं, देर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग तो जब खड़े रहते हैं साथ में तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और हमारे तरफ से तो कोई बात भी नहीं थी, हम तो जा करके हम लालू जी उनको बोले भी थे कोई बात है तो आप बाहर से भी हम लोग समर्थन कर देते हैं, लेकिन आप चलाइए सरकार आपकी। और ये जब बनने वाला था, दो बार हमने बोला इस बात को, 3-3 बार बोला। एक तो उस समय हम चाहते नहीं थे कि नीतीश जी को हम साथ लें, क्योंकि कई बार पहले भी पलटियाँ मार चुके थे। इस बार था कि भाई देश के सभी नेताओं का दबाव था, और जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था अलग अलग राज्यों में, तो उनके साथ भी इनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, नीतीश जी कह रहे थे, कहा भी है सार्वजनिक तौर पे, तो उस समय यही हुआ कि चलो कोई नहीं, असली हम लोगों का लड़ाई 24 में है, और 24 में बीजेपी को अगर हटाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुटे तो अच्छी बात है, तो उसमें भी हम लोगों का समर्थन रहा। उस समय भी हमने कहा था कि हम बाहर से समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए साथ आइए, नहीं तो मैसेज जो है ठीक नहीं जाएगा। और उसके बाद भी आप देखिएगा बीच में कई बार जब भी लगता था कि कुछ दिनों रिजिग्नेशन से पहले हम लोग भी लालू जी हम लोग उनके घर गए, तो बोले था कोई दिक्कत है तो हम लोग बाहर से भी समर्थन दे देंगे, लेकिन आप चलाइए सर। तो तेजस्वी यादव के साथ मनीष कुमार का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 8:30 बजे। तो इस समय की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पुराना परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर घोषित कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव का पुराना नतीजा रद्द किया है, और पीठासीन अधिकारी की ओर से जो नतीजा जारी किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को हाईकोर्ट कारण बताओ नोटिस जारी करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया है। इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
की प्रतिक्रिया आई है, आइए सुन लेते हैं। साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे, 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत, उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश को अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह लक्ष्य दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ लक्ष्य रखे, कहा कि यूपी अब उत्तर प्रदेश नहीं उद्यम प्रदेश है। आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 9.2% है। यूपी सरकार के मुताबिक 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32,00,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था। अब चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 14,000 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये 10,23,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। इससे रोजगार के 34,00,000 नए अवसर पैदा होंगे। आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य विकास के लाभ सभी जिलों तक बराबरी में पहुँचना है। ग्राउंड ब्रेकिंग 4.0 में जो निवेश प्रस्ताव आए हैं उनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 52%, पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% निवेश हो रहा है। उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बनकर ये निवेश भी अलग अलग क्षेत्रों में आया है। कृषि, डेयरी और शिक्षा सहित 17 क्षेत्रों में ये निवेश आया है। विनिर्माण में 2,00,000 करोड़, अक्षय ऊर्जा में 1,00,000 करोड़, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 90,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण में 60,000 करोड़ और कचरा प्रबंधन में 25,000 करोड़ का निवेश शुरू हुआ है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह। सबसे अहम बात यह है कि सरकार के मुताबिक जो नए अवसर सामने आए हैं उनकी वजह से यूपी के कामगार यूपी लौट रहे हैं। त्रिचुर से टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले 60,000 कर्मचारी अपने गृह राज्य लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।